सो गाइज, आज हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट, पापा और मैं। और चलो बताते हैं कि आज क्या क्या काम है हमें। सो मिलते हैं आपको व्लॉग में, बने रहें। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हैं। आप सब देख रहे हैं शिशु रावत एंड फैमिली व्लॉग। और जैसा आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ड्रेस अप हूँ मैं आज। आज मैं जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट, दिखा दो अपने पापा को। अपने पापा के साथ जा रही हूँ मैं। ये देखो मेरे पापा जा रहे हैं। कितनी हरियाली हो रखी है यहाँ पे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो। सो गाइस, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए पापा ने अपना जो व्हीकल है वो लगा दिया है पार्किंग में। और हम जा रहे हैं मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से हम थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं, टाइम भी बच जाता है। और जाते सबसे पहले हम करेंगे एंट्री। एज पापा के पास उनका कार्ड है, बट मेरे पास अभी नहीं है, तो मैंने करवाई है अपनी एंट्री। और हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। एज यू कैन सी, ये है हमारा एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और हमें है यहाँ भी कुछ काम, तो चलो चलते हैं आगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइज, हम आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये देखो, सो हुआ ये कि मेरा जो BCID का कार्ड है उसको मुझे रिन्यू करवाना था। एंड उसके लिए हम पहले हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ से हमने कार्ड अपना कलेक्ट करा देना, हम आए सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे हमें थोड़े बाकी कुछ काम भी हैं, कुछ पेपर्स हमें अपने नोटरी करवानी है, अटेस्टेड करवाने हैं, तो वो सारा काम हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हमें लग गई है भूख, तो पहले हम करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, उसके बाद करेंगे अपना आगे का काम। पापा के साथ सुप्रीम कोर्ट में लंच हो रहा है। ओहो हो हो। सो गाइस, देखो कैंटीन जो सुप्रीम कोर्ट की है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे भी हम आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी आराम से हमें जो भी चाहिए था हमें मिल गया। हमने ली यहाँ पे एक स्पेशल थाली और एक नॉर्मल थाली, क्योंकि ऑब्वियसली इवनिंग का टाइम था तो लंच ही करना था। सो हम यहाँ पे अपना लंच कर रहे हैं, और देन वी आर डिस्कसिंग के अभी आगे हमें क्या क्या करना है। एंड येस, वन मोर थिंग गाइज, अगर किसी को जाना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कैसे मिलती है, तो उसके सबसे पहले अगर आप अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो आपके पास BCID का कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्ड, जो कि आपको मिलता है जब आप ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब। तो इसके लिए आपको AIBE का एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तभी आपको वहाँ पे एंट्रेंस मिल सकता है। एंड यहाँ पे हम अपना आगे का काम करें, क्योंकि हमने इवनिंग का अपना लंच कर लिया था, एंड देन वी आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विद आवर वर्क। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कुछ अपने पेपर्स अटेस्टेड करवाने थे, जो कि यहाँ पे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। एंड ये पेपर्स बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के इनको कलेक्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और ये अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हो मैं आपको बताऊँगी किसी और ब्लॉग में, अगर आप जानना चाहो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर हम आए हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया है, पर कोई बात नहीं, अपने काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ता है। सो गाइस, फाइनली हमारा काम पूरा हो चुका है, और यहाँ पे पापा और मैं एक दूसरे के एक एक स्नैक्स ले रहे हैं। एंड अभी हमारा मन हुआ है कि हमने बहुत थक चुके हैं, बहुत धूप भी थी आज, तो क्यों ना कोल्ड कॉफ़ी पी जाए। तो हम फटाफट गए कैंटीन, एंड देन सुप्रीम कोर्ट में हम पी रहे हैं कोल्ड कॉफी। इस समय हम बैठे हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भाई यहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है, और एंजॉय करते हैं कोल्ड कॉफी। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। एंड गाइज, जस्ट सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल फ्रंट में महात्मा गांधी जी का ये स्टैचू बना है, विच स्टेट्स डिस्पेंसेशन ऑफ इक्वल जस्टिस टू ऑल।
एंड और जो लेडी जस्टिस स्टैचू होता है वो कोर्ट के अंदर होता है। ये तो बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट आपको ऐसे ही बता दिया मैंने। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि हम वहाँ काम से गए हुए थे, इतना थोड़ा बहुत मैंने करा वो भी पॉसिबल हो पाया इसीलिए। एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। कुछ भी अगर पूछना हो या जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।